दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको WWE के 5 शॉकिंग अनस्क्रिप्टेड मूवमेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों, अनस्क्रिप्टेड मूवमेंट्स पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है और ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है, और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलें आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5। दोस्तों, 14 मार्च 2016 को रॉ पर नेवल वर्सेस क्रिस जेरिको का मैच था, मगर इस मैच के दौरान नेवल के पांव पर बहुत सीरियस इंजरी हो गई और नेवल ने मैच के दौरान ही क्रिस जेरिको को ये बता दिया ताकि वो मैच जल्दी खत्म कर दे, और इसीलिए जेरिको ने नेवल को पिन करने की कोशिश की, मगर रेफरी ने सिर्फ 2 काउंट किए क्योंकि उसे नहीं पता था कि नेवल सीरियसली इंजर्ड हैं। और आखिरकार क्रिस जेरिको ने रेफरी से इस बात पर बहस करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से रेफरी ने वो मैच वहीं खत्म कर दिया। हालांकि इस मैच की एंडिंग इस तरह तय नहीं की गई थी। नंबर 4। दोस्तों, अंडरटेकर की एंट्रेंस WWE की सबसे स्केरी एंट्रेंस में से एक है, लेकिन ये बात है एलिमिनेशन चैम्बर 2010 की। जब अंडरटेकर एंट्रेंस कर रहे थे तो अचानक जो फायर बॉल्स एंट्रेंस के वक्त आग फेंकते हैं उनसे अंडरटेकर के कपड़ों को आग लग गई और वो भागकर आगे गए और अपनी जैकेट उतार दी। हालांकि यूजुअली वो आहिस्ता आहिस्ता चल के जाते हैं। नंबर 3। दोस्तों, किंग ऑफ द रिंग 1998 में अंडरटेकर और मैनकाइंड का एक मेमोरेबल हेल इन अ सेल मैच हुआ, और इस मैच के दौरान जब पहली बार अंडरटेकर ने मैनकाइंड को सेल से नीचे फेंका तो वो स्क्रिप्ट के मुताबिक था, लेकिन जब दोबारा मैनकाइंड ऊपर गए और अंडरटेकर ने इन्हें चोक स्लैम लगाया और केज टूटा और मैनकाइंड नीचे गिरे, ये एक अनस्क्रिप्टेड मूवमेंट था क्योंकि वो नहीं जानते थे कि केज टूट जाएगा और इससे मैनकाइंड को जॉ पर एक रियल इंजरी भी हुई। नंबर 2। दोस्तों, सन 1996 में मेडिसन स्क्वेयर गार्डन में WWF का एक लाइव शो हुआ, जिसमें डीजल और रेजन रेमोन का WWF में आखिरी मैच था क्योंकि इन्होंने WCW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, और जब ये मैच खत्म हुआ तो ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स वहां आए और डीजल और रेजन से गले मिले। ये एक अनस्क्रिप्टेड मोमेंट था और ज्यादा शॉकिंग इसलिए था क्योंकि इनमें से 2 रेसलर्स हील थे और 2 फेस, और उस वक्त के फैंस ये देख कर शॉक हो गए कि 2 हील और 2 फेस रेसलर्स आपस में गले मिल रहे हैं। नंबर 1। दोस्तों, ये बात है सितंबर 2012 की, जब रो की एपिसोड पर टीम हेल नो वर्सेस प्राइम टाइम प्लेयर्स का एक टैग टीम मैच हो रहा था, और इस दौरान माइकल कोल और जेरी द किंग लोलर कमेंट्री कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक जेरी द किंग लोलर को हार्ट अटैक आ गया, और यह कोई स्क्रिप्टेड मूवमेंट नहीं था। इसके अलावा बाद में माइकल कोल ने भी ये बताया कि ये एक अनस्क्रिप्टेड मूवमेंट था और कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था, मगर बाद में जेरी का ट्रीटमेंट हुआ और वो बिल्कुल ठीक हो गए और अभी भी वो WWE में कमेंट्री करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में नई वीडियोस की सजेशन जरूर दें।